नमस्कार मित्रों, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है। थोड़ा सा अपने तरफ से कॉपरेट करिएगा, नेटवर्क बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और अभी भी थोड़ा सा मौसम की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। आज भी बहुत विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्लासेस आते हैं उन क्लासेस के साथ साथ हम जैसे ही आपके अपडेट लेके आते हैं मित्र, आप लोग मतलब आप लोग के उतावलेपन को देखते हुए ही हम सारी चीज़ें उसको इंक्लूड करते हैं, आपके कमेंट वगैरह भी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार हर हर महादेव का नारा लगाइए सभी बच्चे, हर हर महादेव, है ना। आज तो बसंत पंचमी भी है तो सरस्वती जी, माँ सरस्वती जी से यही विनती है, यही प्रेरणा है, हमारा प्रार्थना है कि हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे प्रशिक्षुओं को जितनी मेहनत हम करते हैं अगर उससे कम नहीं तो उससे उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी हमारे अभ्यर्थी नहीं करते हैं। और माता सरस्वती जी का आशीर्वाद सभी प्रशिक्षु के पास है और आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं मित्र। 9 बजे, 9 से 9:30 बजने के बीच ये क्लास आता है, डेली आता है और 9 से 9:30 बजने के बीच इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क इशूज़ होते हैं तो थोड़े से हम इसको वैरी कर देते हैं इसका समय 9 से 9:30 बजने तक, जिससे कि सारे प्रशिक्षु इसी के बीच में इस क्लास को देख सकेंगे। ये लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। आप लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और डीएलएड प्रमोट याचिका के विषय पे हम बात करने वाले हैं मित्र, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु इस मूड मतलब मूड बना चुके हैं कि हम याचिका दायर करेंगे प्रमोट के लिए। ठीक है, कोर्ट सर्वोपरि है और सभी लोग के पास आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू बोलने का, घूमने का, व्यापार करने का, बहुत सारी मांग मतलब मांग रखने का, अपना धरना करने का शुद्ध रूप से मतलब बिना अस्त्र शस्त्र का, इन सब का आजादी है हमारे पास, तो क्यों नहीं हम याचिका दायर करेंगे। भाई हमारा हक अगर मारा जा रहा है, जाहिर सी बात है प्रशिक्षु, जब हमारे पुराने सचिव जी द्वारा, जब सचिव जी जो आपके कौन महोदय जी थे, जब पुराने सचिव थे तो उनका आश्वासन था कि भैया डीएलएड प्रशिक्षु को प्रमोट किया जाएगा और डीएलएड प्रशिक्षु इस पूरे के पूरे उनके बताए गए रहमो करम पे चल रहे थे कि भैया हाँ अगर हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पास होते हैं तो हमको प्रमोट किया जाएगा और हमारा यूपी टेट भी वैलिड हो जाएगा। बाद में सारी चीजें सही चल ही रही थी कि अचानक बीच में पता चला, एक सूचना आया कि भैया यूपी टेट भाग गया है ट्रैफिक छोड़ के, जिस ट्रैक पे यूपी टेट चल रहा था यूपी टेट भाग गया है, कैंसिल हो गया है, पेपर फिर से पेपर कराए जाएंगे। और इसका पूरा का पूरा आरोप हमारे पिछले सचिव के ऊपर थोप कर उन्हें इस्तीफा ले लिया गया उनसे। और दूसरे सचिव जी जो इसके पहले भी एक बार रह चुके हैं, आपके अनिल चतुर्वेदी सर जी, इनको अनिल भूषण सर जी, भाई अनिल भूषण सर जी, उनको फिर से लाया गया है यहाँ पे। और पहले थे 2018 में भी थे, और है ना मतलब कि 2018 बैच वाले का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उद्धार किया हुआ है और अब देखना है 2019 बैच वालों का कितना ये उद्धार करते हैं और कर ही रहे होंगे, आप लोग खुश भी होंगे इनसे। और बागड़ बिल्ला है मित्र, है ना, समझ रहे हैं, बागड़ बिल्ला इनका नाम सूट करता है इनके ऊपर। अब इनका कहना है कि हम बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे और इस बात को देखते हुए अभ्यर्थियों का मतलब कि बहुत धरना हुआ, बहुत धरना प्रसाद हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन बाद में इन्होंने डिट भी निकाला और लास्ट धरना था हमें पता है, उसमें रात तक बच्चे बहुत ज़्यादा धरना किए, मतलब बच्चों को इतनी ठंड में पसीना तक आ गई थी, लग रहा था बच्चे नहा के निकले हुए हैं। इस तरह से अभ्यर्थियों का धरना प्रसाद पूरा रहा, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत अच्छा लगा अभ्यर्थियों का जो यह एकता है यह बना रहे हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर भी हमारी बातों को नहीं माना और लास्ट में उन्होंने डेट डिसाइड ही कर लिया 9 तारीख को। फिर बाद में पता चला भाई विधानसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, हमारे यूपी में भी चुनाव है, तो इसको नज़र इस नज़र को मतलब इस आपके चुनाव को देखते हुए इन्होंने फिर एक नोटिस निकाला भाई कि आपके एग्जाम टाल दिए गए हैं और आपके एग्जाम जब भी होंगे 10 मार्च के बाद होंगे, क्योंकि 10 को मतगणना आने वाला है। तो इस वजह से अब बच्चे और परेशान हैं और बहुत सारे डाइटों द्वारा भी अभ्यर्थी के पक्ष में एक नोटिस दिया गया है, पीएनपीयू ने पीएनपी सचिव मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मित्र एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं, जो भी हमारे तरफ से हलफनामा होता है या फिर जो प्रार्थना पत्र होता है, जो कारनामा होता है, पीएनपी सचिव ही कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रमोट करने का मूड बना लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता प्रमोट करने से, ठीक है ना, कोई भी नहीं रोक सकता मित्र। सीधे वो एससीआरटी को रिक्वेस्ट करेंगे, एससीआरटी शासन आदेश को, उसके बाद आप प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन वह इसके विरोधी रहे ही हैं, है ना। तो इस वजह से 2018 बैच को जो प्रताड़ना सहनी पड़ी थी वही प्रताड़ना हमको भी सहनी पड़ेगी 2019 बैच वालों को, तो सहनी पड़ेगी या नहीं सहनी पड़ेगी इसके ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। अब डीएलएड 2019 बैच वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी हो
प्रमोट हो या प्रमोट ना हो या फिर आगे जो भी आगे हो, जो भी चीजें हो आगे कार्यक्रम, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर पढ़ाई छोड़ेंगे तो 2018 वाले बैच प्रशिक्षु के साथ जो हाल हुआ था उनका वही हाल आप लोग के साथ भी होगा। आप लोग में भी बहुत ज़्यादा संख्या में फिर से बैक लगेगी, और जो बच्चे जिनका बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट चांस, हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं मित्री, चीज़ को याद रखना, हम बार बार आपको मतलब कि खुद भी नोट करते रहेंगे, बार बार खोदते रहेंगे इस बात के लिए कि इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बनाकर रख लीजिए कि इस बार अगर मैथ में बैक लगा सेकंड सेमेस्टर वालों जिनका फिर से बैक लगा है, और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर बैक लगा तो इतना पीछे हो जाओगे ना, और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए लास्ट चांस है, अगर इस बार बैक लगा मित्र ना तो दौड़ते रहना। फिर प्रत्यावेदन लेकर जिस प्रकार से 17-18 हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, आज फिर से दोहरा रहे हैं इस बात को। अब यहाँ पर याचिका दायर करने पर बच्चे अभ्यर्थी आ चुके हैं और याचिका दायर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको एक तरह से पूरा विधिवत समग्र एक तरह समझा देते हैं। मित्र देखिए, इसमें जो भी चीज़ें होंगी, अगर आप याचिका दायर करने जा रहे हैं तो हमारा फर्ज है, आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि भाई हमारा भी कुछ हक है और हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन मित्र याद रखना, इसका सीधा विरोध करेंगे हमारे पीएनपी सचिव जी, क्योंकि पिछली बार भी 2018 बैच के साथ भी यही हुआ था, जिनका बैक लगा था और जो बच्चे पास हुए थे उनके साथ भी यही हुआ था। वो 2020 मतलब जो पेपर हुआ था, वो गए थे अपना याचिका लेकर भैया वहाँ पर कोर्ट में, लेकिन वह खारिज कर दिया गया था, कोर्ट द्वारा खारिज किया गया था। उस समय हलफनामा मतलब एक तरह से हलफनामा दिया गया था इनको, है ना, एक तरह से इनको नोटिस दिया गया था पीएनपी सचिव जी को, या फिर ये भी बोले थे कि भैया इस पक्ष में हम नहीं हैं, तो बाद में वो चीज़ें खारिज करके इनका पेपर कराया गया था। अब अगर आप लोग जाते हैं भाई डीएलएड प्रशिक्षु 2019 वाले, अब जाते हैं वहाँ पर पीएनपी कोर्ट में जाते हैं कि भैया हमें प्रमोट होना चाहिए, हमारा बहुत लेट हो चुका है, लेट लतीक हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं कि पिछले पीएनपी सचिव थे उन्होंने भी बोला था कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर पास हो जाएंगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा। आखिर चाहे वह फर्स्ट इनिंग में पहली बार खेलने आए, बैट बॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो अगर वह पहली बार खेलने आता है, फर्स्ट क्रिकेटर, फर्स्ट बल्लेबाज अगर आता है जो फर्स्ट इनिंग में खेलने आते हैं दोनों, उसके लिए भी एक ओवर में 6 गेंद होते हैं, और लास्ट में भी जो खेलने आता है उसके लिए भी एक ओवर में 6 गेंद ही होते हैं, 5 गेंद नहीं हो जाते हैं मित्र, या फिर 4 गेंद नहीं हो जाते हैं, उसके लिए भी 5-6 गेंद होते हैं, उसके लिए वाइड बॉल का सारा का क्रिकेट का रूल वही होता है। लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा कौन सा बुरा गणित लगाया जाता है नहीं समझ आता है। पिछली बार भी हमारे प्रशिक्षुओं को 2018 बैच वाले को भी इसी तरह इन्होंने फंसा के रखा और लास्ट में उनको प्रमोट नहीं होने दिया, और बाद में जब याचिका खारिज हो गई तो तुरंत नोटिस आया कि इनका पेपर होगा, और बहुत सारे अभ्यर्थी बैक लग गए, बहुतों का बैक लगा, और आज वह झेल रहे हैं इस बात को। कितनों का तो एक बार उन्होंने फ्रेस दिया था और एक बार बैक था, दूसरी बार उन्होंने एग्जाम दिया बैक का, फिर से बैक लगा। आज वो पछता रहे हैं कि काश हम सही से पढ़ लिए होते। तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी करिएगा सब कुछ करिए आप, हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं जाइए, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा मित्र, क्योंकि जब आपकी याचिका सबसे पहले वहाँ पर जाएगा तो हलफनामा मांगा जाएगा हमारे पीएनपी सचिव जी से, और पीएनपी सचिव जी का सीधा हलफनामा जाएगा कि हम पिछली बार जिस प्रशिक्षु 2018 बैच की बात कर लें, पिछली बार उनको प्रमोट होने से रोका गया था, उनकी याचिका खारिज की गई थी, तो इनकी भी याचिका खारिज की जाए, क्योंकि अगर इनकी याचिका सुनवाई हो गई, इनकी याचिका का सुनवाई हो गया, उनको प्रमोट कर दिया गया, तो 2018 वाले भी कल को आ जाएंगे धरने पर, और इस तरह से मामला और संगीन हो जाएगा और बहुत भयावह स्थिति देखने को मिलेगा, और हम ना ही इधर के होंगे ना ही उधर के, इस वजह से इनको भी प्रमोट नहीं होने देंगे। यह मित्र पूरा का पूरा हमारे कुछ भी कर लें आप, लेकिन इतना समझ लें पेपर मतलब किसी तरह हम बचे नहीं हैं, हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, समझ रहे, अगर प्रमोट हुए भी तो उधर से 2018 बैच वाले भी वहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ पर कह लें कि 2018 बैच में कोविड-19 नहीं था, हाँ बच्चों का कहना है कि 2018 में जो बच्चे पेपर दिए थे उन समय कोविड-19 नहीं था मित्र, तो उन्होंने ऐसी बातें इस वजह से प्रमोट नहीं हुए, लेकिन अब कोविड-19 को देखते हुए भी लेट लतीफ हुआ है, और प्लस इधर विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी लेट लतीफ हुआ है, तो इस वजह से इनको प्रमोट होना चाहिए। देखिए पक्ष में तो हम भी हैं आपके प्रमोट होने के, लेकिन मित्र एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको यूपीटेट देनी है ना, सुपरटेट देना है ना, तो मित्र यही सारी चीज़ें आएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं डीएलएड में। डीएलएड का 100% यूपीटेट का ही सिलेबस है, और जो 60% डीएलएड है, 60 से 50 60% वही सुपरटेट के लिए है,
तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, चारों सेमेस्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो इतना समझ लेना आपकी तैयारी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाएंगे आगे आगामी जितने भी एग्जाम हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़ाई करते रहेंगे, जो भी हमारे साथ होगा हम देखते रहेंगे, और साफ साफ इनका हमारे लिए जो हमारे लिए जो व्यवहार है पीएमपी सचिव जी का वह बिल्कुल भी इतर से गलत है और यह हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे, कल भी नहीं थे आज भी नहीं रहेंगे, और धरने वरने की बात नहीं किया जाए मित्र तो ही बेहतर होगा, क्योंकि धरने बहुत हुए और बहुत ही दिल दिमाग से धड़ मतलब एक तरह से पूरा दिल लगा के, दिमाग से ही नहीं पूरे दिलों मतलब दिल से भी धरने कराए गए हम लोग, मतलब धरने वहाँ पर हुए मित्र। घर की में बेटियां जो रहती हैं, जो आटा मतलब रोटी गूंथने के लिए होती, जो घर से बाहर कभी निकलती थी, वह वहां पर उस दिन आई थी, लेकिन लास्ट तक अंत तक वह बिल्कुल शाम हो गया मित्र, जिद्द मतलब एकदम हद हो गया है ना, तब जाके वह बाहर आए, गेट के बाहर आए और पता चला उनको कि, और जो बच्चे से बात उचित हुई, बच्चों से अभ्यर्थियों से बाद में उन्होंने सीधा इनकार किया कि प्रमोट हम नहीं करेंगे, हम एग्जाम लेंगे सीधा सीधा। उन्होंने कहा कहाँ है सीआरटी के किसी भी किस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि प्रमोट करेंगे, ये सारी बातें और हम लोग को उलझाते हुए हम लोग को वहाँ से जाना पड़ा अंत तक, और बाद में अभ्यर्थियों ने मूड बनाया उसी समय याचिका दायर कर दें, लेकिन बच्चों ने अभ्यर्थियों ने यह साहस नहीं कर पाए, लेकिन अब अभ्यर्थी जा रहे हैं तो हम उनको एक तरह से सलाह दे देंगे कि आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, पूरा हम तक कहते हैं 99% चांस है कि यह याचिका खारिज हो जाएगी मित्र, और आपकी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, इतना याद रखना, क्योंकि पिछला 2018 बैच के जो बच्चे हैं उनका बखेड़ा ये नहीं फिर से खड़ा करना चाहते हैं, इस बात को आप मानेंगे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग अभ्यर्थी हैं, और हार हमेशा जीत लेके आती है, इतना समझ लेना मित्र, जो भी हारा है अगर वो अपने हार से अपने परिस्थिति से हारा है तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो हारा है याद रखना मित्र, परिस्थिति से हारने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको मजबूरी हो जाती है, उनको दूसरा काम धंधा करना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति के सिवा परिस्थिति में भी रह के पढ़ाई हो सकती है भाई, हम आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम बता देंगे मित्र, ना किसी दिन हम बता देंगे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिस्थितियों से लड़ते हुए भी हार नहीं माने हैं, दिन में काम करते थे, हमारा खुद एक मित्र था मित्र, जब हम बीटेक करते थे वहां पे, तो हम उसको अचानक से, हम एक बार शायद जिक्र भी कर रहे थे आपसे, तो हम अचानक से जब उसे देखे रात में, हमको कहीं जाना था मतलब कि हमको पहड़िया से दुर्गा कुंड जाना था, बनारस में दुर्गा कुंड जाना था, जो संकट मोचन मंदिर है वहाँ पर हमारे मित्र वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर जाना था, उस समय छुट्टी थी 2-3 दिन की, तो हमने सोचा कि भाई चले थोड़ा सा पार्टी वार्टी हो, तो हम वहाँ पर जब गए थे, जैसे ऑटो पकड़ा तो वो मित्र हमारे हमारा मित्र हमको दिखा, हमको लगा ये ऑटो ये चला रहा है, तो हम उससे पूछने की कोशिश किए और हमारा पूरा रोंगटा खड़ा हुआ, जैसा वो वर्ड बोला मित्र हम बता नहीं सकते इस बात को, लेकिन मित्र वह मुंह बांध कर क्या, शर्म तो नहीं आनी चाहिए अपने काम में पहली बात है, लेकिन वह बाद में ऑटो खड़ा किया दुर्गा कुंड पे और रोने लगा हमारे सामने, हमने कहा ठीक है खैर जो भी बातें हैं जो भी मेहनत है, उस दिन से हमारे दिल में ना बिल्कुल आग लग गई, मतलब जितना ज़्यादा हम चीज़ें जो उस दिन से हम एक चीज़ ठान लिए कि भैया मेहनत सच में मेहनत होती है, और मेहनत करके अपने दम पर पढ़ाई करना ये गजब का जिगरा वाला कर सकता है मित्र, बस इतना याद रखना, जो पिता के बनाए गए धन दौलत पर उछलते हैं ना वो कभी ना कभी आगे जाके किसी न किसी ठिकाने लग ही जाते हैं, लेकिन याद रखना पिता के कमाए गए धन से आप अमीर नहीं हो, आप अपने कर्मों से अमीर बनोगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, इस चीज़ को ठान लीजिएगा, अगर आप सारी चीज़ें करिए हर एक चीज़ करिए लेकिन इस पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा मित्र, आप याचिका दायर करिए, हम आपको बार बार ये चेतावनी देते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, नहीं तो अन्यथा एक साल बाद ये स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, जब आप देखेंगे अपने साथी को पास होते हुए आपको लगेगा कि वह हमारे साथ हैं प्रमोट में, और आप प्रमोट के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, वहां पर वह आपका प्रशिक्षु आपका साथी आपका सहपाठी पढ़ रहा है, लेकिन आप तो लगे हो प्रमोट कराने में और अब हो गए प्रमोट, तो बल्ले बल्ले ना हुए तो टाए टाए फिस, ठीक है भाई, तो बस हम यही कहेंगे लास्ट वर्ड कि आप पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्लासेस हैं, बस आप अपना एक तरह से यह पूरा प्लेटफॉर्म बड़ा कर लो ना, इतनी मतलब आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुपर टेट तक की कोई बुक नहीं उठानी पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से हम ज्योग्राफी दे देंगे, ज्योग्राफी का डेमो क्लास, ये डेमो क्या बहुत बेहतरीन 18 लेक्चर हमने दिया है, 86 लेक्चर लाने हैं अभी, आप देख लेना आकर, यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने कंप्लीट करा दिए, डीएलएड के हर एक सब्जेक्ट को हम
बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताते हैं, कल संडे है और कल संडे को मित्र आपका मैराथन क्लास आएगा साइंस का। बहुत सारे प्रशिक्षु बोले हैं सर अभी तक जितना साइंस पढ़ा दिए उसका मैराथन क्लास लगा दीजिए, तो हम प्रकाश चैप्टर को पूरा जो 8-9 वीडियो में पढ़ाए हैं उस पूरे का एक मैराथन क्लास लाएंगे, लिखित लाएंगे, अपना नोट्स हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। प्रकाश चैप्टर का पूरा लाइट पूरा खत्म करेंगे उसके एक दिन मतलब मंडे को पूरा, उस पर कम से कम 400 प्रश्न करेंगे वो आपके सुपर टेट यूपी टेट हर एक चीज के लिए। इस प्रकार से हमने विद्युत वाला चैप्टर भी पूरा एक तरह से समग्र बना लिया है, उसका भी कंटेंट हमने तैयार कर लिया है, मात्र लगभग 34-35 पेज का है, 35-36 पेज का है विद्युत वाला, और अलग से उसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हमने तैयार कर लिया है, उसको भी लाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखते चलिए। फिर साउंड हमने जो खत्म कर दिया है साउंड, तो साउंड का भी एक दिन मैराथन लाएंगे। तीन चैप्टर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की बात करें तो विद्युत साउंड और आपका यह प्रकाश वाला चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मित्र। ये तीनों से ही प्रश्न बनते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे जो हो भारत इंडिया लेवल पे एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो। इसके बाद हम बायो के लिए भी लाएंगे मैराथन, वह हर सेशन के लिए, हर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए और यूपी टेट के लिए और आगामी सीटेट के लिए और आगामी सुपर टेट के लिए, केवीएस वगैरह के लिए भी वो सारा, और ग्रुप डी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और आप लोग का बहुत लोगों प्रशिक्षुओं का कहना है सर डीएलएड ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा जीके लाइए, तो हम 5 मिनट के 6 मिनट के दोनों टाइम, एक सुबह बिल्कुल, एक मॉर्निंग में, एक बिल्कुल शाम को 5-6 बजने के करीब, दो मतलब 10-10 मिनट के दो जीके लाया करेंगे, डेली लाएंगे। इस चीज़ को आप देखिए और फॉलो करिए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है भाई। अब बात करें मित्र डीएलएड को 2030 तक खत्म होने की बात की गई है। एक अभ्यर्थी ने, अभी आपने जो भी कोर्ट का मामला देखा होगा, अभी तो आपको पता होगा बीएड प्रशिक्षु की बात करें तो उनकी प्राथमिक भर्ती को लेकर अभी तक जो मामला एक तरह से कोर्ट में है और आप देख ही रहे हैं, उसको हटाए जाने को लेकर बहुत सारे फैसले जो लंबित पड़े हुए हैं। और जो भी हो, यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा जो जोर बनाया गया है या जोधपुर हाईकोर्ट, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा वहाँ पर बनाया गया है, और इस पूरे बातों को देखते हुए डीएलएड, आपको पता है मित्र जो आपकी शिक्षा नीति है 2020 वाला, उसमें साफ साफ मेंशन है कि डीएलएड बीएसटीसी हो या फिर जेबीटी हो या फिर जो डिप्लोमा कोर्स है शिक्षक का, ये खत्म कर दिया जाएगा 2030 तक। इस बात को देखते हुए एक बीएड अभ्यर्थी द्वारा इस याचिका को दायर किया गया। अगर बीएड, अगर डीएलएड बीएसटीसी जेबीटी अगर ये सब खत्म हो जाते हैं तो क्या बीएड अभ्यर्थी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो कौन देगा शिक्षक भर्ती? जब यह तो खत्म ही कर देंगे आप और बीएड वाले को निकाल देंगे प्राथमिक से, तो कौन देगा शिक्षक भर्ती? इस चीज़ को एक तरह से, यह कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर ठोस बयान नहीं है या फिर कोई एक तरह से ठोस वजह नहीं है। हम क्यों बताते हैं आपको, क्योंकि मित्र आपको पता है 2015 से पहले जो बीएड का था, बीएड एक साल का हुआ करता था, लेकिन बाद में बीएड 2015 के बाद 2 साल का हो गया। अब अभ्यर्थी करते हैं 2 साल के, या फिर बहुत सारे चेंजेज आए, बहुत जगह चेंजेज आए, क्योंकि शिक्षा नीति बदलती गई और 4-5 बार संशोधन भी हुआ उसमें, तो ये सारी चीज़ें बदलती गई। और बाद में अब अगर देखें तो क्या 2015 के पहले वाला है, फिर 2015 वाला बीएड मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है क्या? बिल्कुल वैलिड है। इस कंडीशन में हम यह नहीं कह सकते कि बीएसटीसी जेबीटी डीएलएड बीएड सॉरी ईटीटी ये सब अगर खत्म कर दिए जाते हैं 2030 तक, तो इनका जो पलड़ा होगा भारी नहीं होगा, बिल्कुल भारी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एक तरह से ठोस सबूत नहीं है या फिर कोई ठोस वजह नहीं है कि भैया उनको बाहर किया जाएगा तो हम बीएड वाले प्राथमिक में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, या कोई भी वजह नहीं है या तरह से निरर्थक है, और इस बात को कोई एक तरह से ठोस वजह मानकर हम नहीं देखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट महोदय जी द्वारा इस बात को भी खारिज कर दिया जाएगा कि यह कोई ठोस वजह नहीं है, क्योंकि जब बीएड पहले का जो शिक्षा नीति था वह वैलिड है, वैसा नहीं है कि वो पहले वाला 1 साल का था तो रद्द हो गया, फिर से आपको 2 साल का करना पड़ेगा, नहीं। खैर यह है कि बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड अभ्यर्थियों के समकक्ष लाने के लिए एक तरह से जो 6 महीने का कोर्स कराया गया है, ब्रिज कोर्स इसे बोला जाता है, तो अब पहले वह था, अब क्या होगा कि सबको लाकर एक जगह कर दिया जाएगा, सबको एक जगह लाकर जो ब्रिज कोर्स वगैरह था सबको समिट कर एक जगह कर दिया जाएगा, जिससे कि जो पहले डीएलएड अभ्यर्थी डीएलएड बीएसटीसी ये सब कर लिए थे उन सबको समग्र बना के एक नाम दे दिया जाएगा बीएड, ठीक है ना। जो कि बीएड अभी जो सुन रहे हैं आप, वही बीएड ही रह जाएगा, मात्र 12th से लेकर जो भी शिक्षक भर्ती, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको बीएड ही मात्र एक तरह से ऑप्शन रहेगा शिक्षक बनने के लिए। तो यह सारी चीज़ें हैं, अब यह कोई वजह नहीं है जो अभ्यर्थी द्वारा फिर से याचिका दिया गया है कि माननीय अगर 2030 या फिर शिक्षक जो आपके इसमें लिखा हुआ है आपके शिक्षा नीति में 2020 में कि 2030 तक इन सबको बाहर कर दिया जाएगा, तो या फिर हम लोग को फिर क्यों निकाला जा रहा है प्राथमिक से? तो ये सारी बातें कोई ठोस वजह नहीं है। खैर इस पर जो भी चर्चा होंगी 22 फरवरी को लास्ट चर्चा होंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा, क्योंकि दोनों पार्टियों को उन्होंने नोटिस दे दिया है। अब देखना यह है कि कौन किसके पक्ष में फैसला आता है,
ठीक है। तो सारी बातें हमने आपसे किया, अब हम आपका थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, किसी को मनाने के चक्कर में मुझे हो गया। प्रभु से कहते हैं दर्द उसका मुझे मिल जाए, मिल गया। यहां देखना, रेशमा सरोज जी का कहना है, सर उन लोगों को जब प्रमोट नहीं किया गया था 2018 बैच वालों को, बट उन लोगों का पेपर टाइमिंग से हो गया था। जी आप सही बोले, हो गया था, प्रमोट नहीं किया गया था। लेकिन यह बात है कि भैया देखो, आगे आपका विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव के कारण भी रुका हुआ है। खैर यह कोई वजह नहीं है कि आपका पेपर नहीं होगा या फिर लेट हो रहा है, क्योंकि चुनाव है, इस वजह से वह इस चीज़ को टाले हुए हैं। सिर्फ अब यह नहीं बोला गया है कि पूरा खत्म ही हो गया, नहीं, 10 के बाद जरूर डेट आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। शिवानी राठौर जी, सर जब मैंने टेट का फॉर्म डाला था, मेरा एक सब्जेक्ट में बैक था, जब पेपर दिया तब कंप्लीट हो गई, क्या मेरा टेट मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, 100%। ठीक है, आगे शिवानी राठौर जी बता दिया बेटा। आगे रेशमा सरोज जी का कहना है, उन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया था तो उनका पेपर भी टाइमिंग से हो गया था। बिल्कुल जी। आगे कौन है भाई, आयुष सिंह जी का कहना है, सर सेकंड सेमेस्टर साइंस की तैयारी करा दीजिए। सर सेकंड सेमेस्टर साइंस में बैक है, क्या करूँ? देखिए मित्र, हम आपको बताते हैं, साइंस का मतलब सिर्फ साइंस होता है, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स होता है, और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री होता है, और अगर बात करें मित्र बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी होता है। वो बायोलॉजी चाहे आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लें, चाहे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लें, जो फिजिक्स हम करा दिए मित्र ना, फिजिक्स आके आप देख लेना डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। कल एक मैराथन भी है प्रकाश पर, प्रकाश चैप्टर पर पूरा मैराथन लेकर आएंगे, उसको आप देखना, पूरा खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को उस पर पूरा का पूरा हम क्वेश्चन, कम से कम 200 क्वेश्चन लेकर आएंगे। जिस प्रकार से हमने यूपीटेट का महामैराथन देकर, टॉपिक वाइज वीडियो देकर, मैथ का क्लास, इन्वायरमेंट का क्लास, हर एक क्लास देकर खत्म किया है, सेम उसी तरह से हम डीएलएड के भी सारे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं मित्र। यहाँ तक कि मैथ कंप्लीट हो चुका है, हर सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के सारे सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखें, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक भाई, सत्य में हिंदी की बात करें मित्र, हिंदी पूछ रहे हैं आप, हिंदी तो देखिए भाई, हिंदी का ऐसा लेक्चर ना, हम फिर से मैराथन स्टार्ट किए हैं हिंदी में, और पिछला वाला क्लास जो टॉपिक वाइज आप देख लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से रंगीन माहौल बन जाएगा। और अगर बात करें जो क्वेश्चन की, तो महामैराथन में हमने 16-17 टॉपिक ऐसे हिंदी में बहुत बेहतरीन है। 16-17 मतलब बहुत टॉपिक होते हैं यार, काउंट कर लो, समास और संधि और छंद ये सब काउंट करोगे 17 टॉपिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 17 टॉपिक अगर पढ़ लेंगे हिंदी में गिन करना, तो कहीं से भी हिंदी उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप देख लेना, उसका हमने भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिया है, कम से कम 400-500 प्रश्न आकर देख लेना, बस प्लेलिस्ट में है, सब कुछ है प्लेलिस्ट में, सिर्फ आपको ढूंढने की, आपको आने की, आपको पढ़ने की यही थोड़ी सी टाइमिंग है। अगर आपको समय मिल जाए थोड़ा सा अदर कामों से तो आ जाना। लक्ष्मी त्रिपाठी, थैंक यू बहन, एनिमल फनी शो, क्या भाई, अच्छा इन यह बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं भाई। सर बिहार डीएलएड का फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इंट्रेंस एग्जाम होगा क्या प्लीज़? इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, अब अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा तो अब भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, आप sarkaririzalt.com पे देखते रहिए। श्वेता यादव जी का कहना है, सर हम लोगों को प्रमोट, देखिए भाई प्रमोट के लिए सारी जिद्दोजहद तो हुआ है मित्र, हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं, और कोई भी यूट्यूबर हो, हर शिक्षक हो, डाइट तक यहाँ तक कि आपके साथ हैं, लेकिन पीएनपी सचिव जी अकेला काफ़ी है मित्र, आपको पता होना चाहिए, सारे कारनामा उन्हीं का है किया तरह, और वो चाहेंगे एक तरह से फ्यूल हैं, जब हमारे पीएनपी सचिव फ्यूल हैं एससीईआरटी और शासनादेश के, अगर फ्यूल बोल दिया मतलब फ्यूल अगर आ गया गाड़ी में तो फ्यूल चलने लगेगा। उसी कंडीशन में मित्र अगर वह सारी चीज़ें आपकी तरफ से बोल देते हैं, बयान दे देते हैं भैया इनका प्रमोट होना चाहिए, तो फिर कोई नहीं रोकेगा मित्र, आपका प्रमोट होना तय हो जाएगा। लेकिन उनकी पता नहीं क्यों फट दी है, समझ में नहीं आता है इनको, है कुछ भी कर लो, है ना। पुष्पा बन चुके हैं, पुष्पा पुष्पा हिलेगा नहीं, कुछ भी कर लो, है ना। पुष्पा पुष्पराज मूवी देखा है कि नहीं? सत्य मूवी देखने का समय नहीं रहता, लेकिन थोड़ी सी डायलॉग वगैरह देख लेते हैं, और खैर देखना है देख लेंगे। सत्यम यादव जी, सर कुछ लोग हैं जो यूपी टेट का नंबर बढ़ाने के लिए अपना यूपी टेट वाला एक कॉपी जो मिला था, इसके आगे सॉरी हमने देख नहीं पाया सही से, एक मिनट रुक जाना। सत्यम सर, क्या इस बार हम सेकंड सेमेस्टर बैक निकाल लेंगे तो हमारा, जब देखिए मित्र
कितना भय लगा है बच्चों को, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनका कहना है सत्यम यादव जी का, सर क्या हम इस बार अगर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर निकाल लेते हैं तो आगामी जो यूपी टेट होगा वो वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। अंजलि यादव जी का कहना है, सर स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। एग्जाम से पहले आ जाएगा और 12 फरवरी इसका डेट होना चाहिए, 12 फरवरी से पहले। हम इसका बार बार जिक्र कर चुके हैं, अगर लापरवाही नहीं की इन्होंने तो 3 महीने के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो, कोई बैक सेमेस्टर हो, कोई स्कूटनी का भी हो, स्कूटनी का तो मात्र 1 महीने में दे देना चाहिए। जब नो चेंज का ऑप्शन आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आपको आप बिल्कुल आप एक ही आंख से देखते हो, दोनों आंख रहते हुए भी आप एक ही आंख से देखते हो। कृष्ण भगवान कहा करते थे ना, कृष्ण भगवान से एक दिन उनकी क्या नाम है वाइफ, उन्होंने उनसे कहा कि भैया बहुत गरीब हैं, वो पोटली लेकर जा रहे हैं, उनके सामने एक मतलब उनको खाने पीने के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान जी वो अपने कर्मों से परेशान हैं, देखना हम एक चीज करते हैं। अब जाते उनके सामने कृष्ण भगवान जी कुछ दूर पे एक सोने का पूरा टुकड़ा गिरा दिया, सोने का टुकड़ा गिरा दिया, तो बाद में क्या हुआ उसको ठोकर लग जाता है, एक बार ठोकर लगा, दो बार ठोकर लगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, उसे आंख बंद करके चला वहां से, तो कृष्ण भगवान जी मतलब रास्ते से जा रहा था, रास्ते में पड़ा था, पहले तो आंख खोल के चल रहा था, फिर एक बार ठोकर लग गया उसे अचानक से, कुछ दूर पे उन्होंने सोना गिरा दिया। तो बाद में वो चलता गया लास्ट में पता चला भैया कि वो अपना आंख ही बंद कर लिया, मतलब उसका नसीब खराब था, तभी उन्होंने आंख बंद किया और आगे निकल गए, वह जो आदमी था वो आगे निकल गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा अपनी वाइफ से, देख ली नसीब की भी बात होती है, अगर उसके नसीब में नहीं था, उसके नसीब में ठोकर खाना लिखा है, जब तक ठोकर खाना लिखा है तब तक वो ठोकर खाएगा, उसके बाद खुद वह समझ जाएगा, ठोकर खा खा कर एक दिन ठकठका बन जाएगा, ठठेरा बन जाएगा, और फिर उसके बाद उसको कितना भी ठोक लो ना वह कुछ नहीं। इस वजह से पढ़ते रहो हार कि ठोकरें खाते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, इतना याद रखना, यहाँ तक आए हो तो यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा यहीं से उतना आगे जाने में समय लगेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पीछे नहीं जाना है। शिवानी वर्मा जी का कहना है, सर 2018 और 2019 बहुत फर्क है, इस बार सारी गलती सचिव की है। बिल्कुल, ये तो हम मानते हैं 100% आपके पक्ष में है, ये सारी की सारी गलती उन्हीं की है। महिमा चौहान जी, करेंट क्या हमारे एग्जाम मार्च में हो जाएंगे, प्लीज़ बता। बिल्कुल हो जाएंगे मार्च में, कोई अगर बखेड़ा ना खड़ा होगा, कौन सा बखेड़ा खड़ा होगा, यही विधानसभा है, इसके बाद आगे भी तो कुछ है नहीं, अगर सारा चीज़ सही रहा। वैसे देखिए मित्र, अगर आप चाहते हैं कोरोना फिर से आ जाए, हम प्रमोट हो जाएं, तो याद रखना मित्र, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने साथ भी डिले कर रहे हैं और अपने साथ भी, क्योंकि अगर कोरोना फिर से आ जाए तो 1 महीने फिर लेंगे जुझवाई कराने में, ओझती हो गई ना, ओझती होने लगेगी, फिर से प्रमोट होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी, उसमें देखने को मिलेगा भैया, वैसे इससे अच्छा एग्जाम ही लेकर खत्म करो, तुम एग्जाम लेकर खत्म करो भैया, सिस्टम खत्म, बस COVID-19 का जो माहौल बना था उस समय बना था, अब कुछ नहीं है, अब आराम से आपका एग्जाम होगा, 10 मार्च के बाद एग्जाम का डेट आएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्जाम दीजिए। थैंक यू ज्ञानती कुमारी, थैंक यू बेटा। मैराथन लाएंगे कल साइंस का जो फीस हमने खत्म किया है ना, कल मैराथन लेकर आएंगे, पूरा का पूरा प्रकाश, पूरा प्रकाश मैराथन में रहेगा। ड्रॉ विथ सेजल सजल, हाँ फर्स्ट कमेंट, थैंक यू। आकांक्षा प्रकाश इनका नाम है, थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छे समझ में आता है, क्यों नहीं आएगा भाई, थैंक यू। देखिए इन्होंने बोला है कि सर ग्रुप डी का साइंस का, ग्रुप डी का जीके का क्लास लाइए, तो जीके का हम कल से डेली लाएंगे किसी एक टॉपिक पर, कल से 2 टॉपिक पर लेकर आएंगे, एक सुबह एक शाम को, क्योंकि 1 महीने एग्जाम रह गए हैं, तो कल से सुबह एक शाम को हम लेकर आने वाले हैं, मात्र 5 से 8 मिनट का यही रहेगा, बस फटाफट क्वेश्चन बताएंगे। कल सिंधु घाटी सभ्यता पर जितने प्रश्न बनेंगे उसको हम लेने वाले हैं, सुबह आया करेगा, बिल्कुल 7 बजे सुबह एक जीके का, वो सारे पैसे चू ले सकते हैं, और एक शाम को आया करेगा एक टॉपिक पर जीके, ठीक है, सारे अभ्यर्थियों के लिए होगा, चाहे सुपर टेट का दें एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम दें, ठीक है, हम लूसेंट का पूरा निचोड़ लेकर आएंगे, घबराना मत। उत्तम ज्ञान फ्रॉम इंडिया भी, थैंक यू भाई, इंडिया से है भाई, ठीक है, इंडिया से ही होंगे इसमें सभी ना, ये कोई पाकिस्तान से भी है, बताना भाई। रेशमा सरोज, थैंक यू बेटा, यह रहे आप लोग के कमेंट, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, और यह रहे आपके माइक, सारी चीज़ें, ठीक है मित्र, हमने जो चीज़ें बताया उसका आप फॉलो करिए, और अभ्यर्थी बस पढ़ाई, ठीक है, नमस्कार। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका कमेंट में ही जवाब दे दिया जाएगा आपका, और प्लीज़ क्लासेस रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम होगा, 100% एग्जाम होंगे, और बहुत ही कम चांस है कि आपका आपकी बात हमारे सचिव की समझ में आएगी, है ना, क्योंकि वह एक ऐसा भांग खा लिए हैं ना कि उनको कुछ नहीं सूझेगा जब तक पेपर ना हो जाए, ठीक है, पेपर वो करवा के रहेंगे और हमको पेपर देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, या मत सोचिएगा कि पेपर नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे, कैसे कर सकते नहीं देंगे, फेल होना है तो देना तो पड़ेगा ही पेपर, पास होना है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं
सुबह मैराथन के साथ, और प्लस सुबह अब डेली आपका 2 GK का वीडियो आएगा, सारे क्लासेस मतलब सारे एग्जाम्स के लिए 2 GK का डोज लेकर आएंगे डेली हम, एक का सुबह एक शाम को, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।